फेमिना मिस इंडिया फिनाले, फेमिना मिस इंडिया कॉम्पिटिशन, द ओनली थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज दैट हाउ ईच ईयर मैनी यंग गर्ल्स मैनी विमेन आर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट, डिवेलप देयर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो एनहेंस द पावर ऑफ विमेन. मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 3 साल मैंने मिस इंडिया में इन्हें रोज जज किया. जब प्रियंका चोपड़ा कम्पीट कर रही थी, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्ज़ा, लारा दत्ता, उससे पहले डायना हेडन एंड क्या नाम है, युक्ता मुखी. सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू जज फेमिना मिस इंडिया एट दैट टाइम. सो आई एम वेरी हैप्पी टू कम हेयर एंड गिव माई गुड विशेज टू एवरीबॉडी. हाय अर्जुन, आई एम गुड, हाउ आर यू? और ऑफ कोर्स एक्टर जब फंक्शन पे जाते हैं तो वो जिस जो उनकी आने वाली फिल्म है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस नहीं करते. मेरी एक फिल्म बहुत जल्दी लगने वाली है, उसका नाम है बैड मैन, और उस फिल्म का हीरो हूँ मैं. क्या हूँ मैं? थोड़ा इंटरेस्ट दिखा, जोर से बोल. हाँ. तो मेरी फिल्म बैड मैन, ये वायाकॉम 18 ने बनाई है, और इस फिल्म में क्या कहते हैं, शौमिक सेन ने डायरेक्ट किया है. शौमिक सेन जिन्होंने फिल्म गुलाब गैंग डायरेक्ट की थी. सो फॉर मी इट इज़ अ चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग टाइम. एंड नाउ आई फील के ये हीरो लोग कैसे फिल्म को प्रमोट करते हैं, कैसे हर जगह हर अपॉर्चुनिटी को फिल्म की प्रमोशन में टर्न कर देते हैं. जैसे मुझे काफ़ी देर से ये समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी झेप हो रही थी. आई वॉज थिंकिंग कि हाउ डू आई यू नो गो टू अ फंक्शन एंड सडनली स्टार्ट टू टॉक अबाउट माई फिल्म. सो दिस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एक्टिंग में तो मैंने बहुत चीज़ें लर्न की है, दूसरों को लर्न कराता हूँ, पर यहाँ ज़रा ये लर्निंग एक्सपीरियंस है फ्रॉम हीरोज कि दैट हाउ ईच अपॉर्चुनिटी यू शुड नॉट मिस टू प्रमोट योर फिल्म, लाइक आई एम डूइंग माई फिल्म बैड मैन, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई वायाकॉम एंड इन विच आई प्ले द हीरो. कोई और? हाँ जी, यूनिक प्रमोशन, येस दे आर एक्चुअली यू नो माई प्रोड्यूसर्स वायाकॉम इज सेइंग दैट you know digital has you know far more reach to the younger audiences, and so therefore they are promoting a lot on the digital platform, you know. Thank you very much. Thank you. See you. Why am I wearing a skirt in film Bad Man? Bhai, way A, it is fashionable, B, it is stylish, and C, it is also something my respect for women, you know, like for a known villain, a known bad man, to wear a skirt in a film is paying respect to women as well. In fact, main aaj pehen ke aane wala tha yahan par skirt. Okay, thank you. Thank you. Over to you, my friend. Special to you. मुझे कभी कभी डाउट होता है, गलत आदमी को चुन लिया जज करने के लिए. मुझे जो जज बनाया आज इन्होंने, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग मिस इंडिया, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. इट शुड बी अ फन नाइट. सबसे अच्छी बात यह है, मेरे बहुत करीब दोस्त वरुण धवन परफॉर्म करने वाले, तो मुझे उनकी टांग खींचने में बहुत मज़ा आएगा. जब वो आएंगे तो उनसे पूछना, अभी फ़ोन पर बात की तो ही इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग रियली फन टू डू. आप दे दीजिए 2-3, मैं पूछ लेता हूँ. मुझे खुद नहीं पता क्या पूछने वाला. देखूँगा स्पॉन्टेनियसली, इम्पल्सिवली, अगर कुछ दिमाग में आएगा पूछने लायक. काफ़ी शॉर्टेड है आजकल की यूथ, तो आई एम श्योर जो भी पूछेंगे उनका जवाब मिल ही जाएगा. यार देखिए, मैं मिस इंडिया से ज़्यादा आई वुड से टू सी अ गर्ल हु विल ब्लॉसम इनटू बीइंग अ फैंटास्टिक वुमन. आई थिंक कॉन्फिडेंस, द वे यू कैरी योरसेल्फ, एक पर्सनालिटी होना, एक स्टाइल होना, बहुत सारी फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद यू आर एबल टू डिस्कवर दैट ओके शी माइट बी द बेस्ट आउट ऑफ दिस लॉट ऑफ गर्ल्स. सो बहुत सारी चीज़ें होती है दैट कम इनटू प्ले.
नहीं ऐसा नर्वसनेस नहीं है. मैं आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज दैट दे वॉन्टेड मी टू बी अ जज ओनली बिकॉज आई एम वेरी यंग माई सेल्फ बट इट फील्स नाइस आई एम हैप्पी आई फील प्रिविलेज दैट देव चोजन मी. तो नर्वसनेस नहीं है बट आई एम नर्वस एक्साइटमेंट बोल दीजिए. इट्स समथिंग न्यू दैट आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट्स Miss India, but I know where the contestants and how they feel. So I've been in their position before, and it's very nerve-wracking. But they've prepared so much, and I'm so excited to see how they'll be performing tonight. This is huge, and basically the winner is representing the entire of India. So it needs to be a strong woman, a confident woman, and somebody who can hold the title on her shoulders and represent her country really well. Quality, I think, you know, all the girls are stunning. They've got great personalities, but I think the winner has that X factor, and you'll see it in their eyes, and you'll be like, that's the winner for me. So, of course, excited main isliye bhi hai because I'm part of the jury, so I'm really looking forward to the evening. And I think school se hi main dekhte aayi hu Femina Miss India. I never thought I'll be judging it one day, so really excited. नर्वस नहीं नहीं नर्वस है कंटेस्टेंट्स को होना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं. आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं देख आई थिंक आजकल की गर्ल्स सभी बहुत कॉन्फिडेंट हैं. दे वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू व्हाट दे से हाउ दे टॉक. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या नया है इस बार. क्लास नॉट एट ऑल यार बिल्कुल नहीं. आई थिंक हम लोग खुद न्यू कमर्स हैं सो वी अंडरस्टैंड अ लॉट कि हाउ डज इट फील सडनली टू फेस यू नो द वर्ल्ड on such an important platform. So big class nahi, I'm just looking for the little real factor that's how I connect with people. So just going to enjoy the evening. Tips, I think just be real. I think bahut hi simple cheez hai but bada mushkil hota hai I think kabhi kabhi ye samajhna. So I think just be real, that's it. I think as I just said, ब्यूटी की आजकल आई थिंक कभी नहीं है. ऑल द गर्ल्स दे आर वेरी वेल ग्रूम. आई थिंक एक्टर से ज़्यादा शोर तो मतलब यहाँ पर है. थैंक यू. आई थिंक ऑल द गर्ल्स आर वेरी वेरी वेल ग्रूम दीज डेज. बहुत खूबसूरत हैं. दे ऑल नो हाउ टू कैरी देम सेल्व्स. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई जस्ट सेड नॉट टू बी वेरी रिहर्स्ड और टू क्राफ्टी. जस्ट बी वेरी रियल. से आई थिंक वॉट यू बिलीव इन. इतना ही कि आपने आप को चेंज करने के बगैर भी अगर आप आपकी खूबसूरती दुनिया को दिखा सकते हैं तो डू दैट. डू नॉट चेंज फॉर एनीवन. बट मेरी क्लास लगने वाली है. मैं खुद इन जूतों में आई थिंक आई फॉल. सो आई डोंट थिंक मैं किसी के क्लास लेने के मूड में हूँ. थैंक यू. अंदर की खूबसूरती अगर आप दिखा सके तो उससे बड़ी खूबी क्या हो सकती है. थैंक यू सो मच. मैं ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक द वुमेन आउट हियर आर वेरी टैलेंटेड. दे आर ब्यूटिफुल लेकिन दे आर गोना रिप्रेजेंट अस एंड द कंट्री एट अ मच हायर लेवल. सो वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने एक बार पहले 6 साल पहले आई थिंक आई हैड बीन अ जज. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. I think a mix of everything hona chahiye. I mean of course beauty is important but as we all know beauty just on the outside is not the most important thing. Of course it's good when you're very beautiful outside but it's how you are inside, your personality, your mind, your brain. I think everything all in all that's what we'll try and see. अभी मैं आपको कैसे बताऊं वो सवाल. अभी मैं अंदर जाके वो सवाल सोचूंगी और फिर पूछूंगी. अभी देखो मैं काफ़ी टेनिस खेलती हूँ तो मुझे कठिन परीक्षाओं का बहुत शौक है. सो आई थिंक दैट लाइक आई सेड ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन लड़कियों के लिए बट ऑल्सो फॉर अस एज जजेस बिकॉज दे विल नॉट जस्ट रिप्रेजेंट इंडिया हियर बट ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. सो वी विल ट्राई एंड यू नो गेट द बेस्ट गर्ल आउट फॉरवर्ड. I think the most important thing is be yourself. क्योंकि I think that's what counts at the end. आप अपने आप जैसे हैं be true to yourself and I think that's what counts. Femina Miss India एक बहुत बड़ा platform है. काफ़ी
अरसे से हम देखते आ रहे हैं और एक फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी इसका एक रिश्ता है क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स होती हैं वो आगे जाके एक्ट्रेसेस भी बनती हैं, एक्टर्स बनती हैं, तो इसलिए एक एक्साइटमेंट है, बहुत बड़ी रात है और आई एम हैप्पी टू बी हियर। मैं तो देखना चाहता हूँ एक पूरा पैकेज, सिर्फ एक क्वालिटी नहीं होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा, एक अपने आप को प्रोजेक्ट करने का जो एक 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 पर्सनालिटी है वो देखूंगा, ऑफ कोर्स लुक्स। सो आई थिंक एक पूरा जिस तरीके से वो बात करते हैं, इंटेलिजेंस, जिस किस्म की यू नो क्वेश्चंस या आंसर्स देते हैं, तो एक पूरा पैकेज हम ढूंढ रहे हैं। टिप्स टू द गर्ल्स? अरे नहीं यार, मैं क्या टिप दूंगा। जी होपफुली अच्छी होगी, बस इतना ही बोल सकते हैं। नहीं, पार्ट टू नहीं है, ये सीक्वल नहीं है। मैं सीक्वल्स में बिलीव नहीं करता हूँ, जैसे आपने देखा मैं कभी सीक्वल बनाया नहीं है। लेकिन हाँ, सलमान के साथ फिल्म है और बहुत जल्द शुरू करेंगे हम। उसके अलावा डिटेल्स उसके अभी हमने अनाउंस नहीं किए हैं, नाम अभी जी नहीं, जी नहीं जी जी, मैं अभी कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत अभी तो सर हमने अनाउंसमेंट करी है, एक दिन हुआ है बस अनाउंसमेंट किए हुए, तो अभी डिटेल्स धीरे धीरे आएंगे, फॉर्मली एक अनाउंसमेंट हम करेंगे, उसमें नाम होगा, एंटायर कास्ट होगा। अभी सिर्फ इतना बता सकते हैं कि सलमान है उसमें और हम शुरू करने वाले हैं, आई थिंक अगस्त तक हम शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब सलमान और मेरा एक, हम मतलब दो फिल्में कर चुके हैं, तो एक एक रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडशिप है, तो बजरंगी के टाइम भी आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे हम, तो मालूम तो था कि एक एक और फिल्म ज़रूर करेंगे, बस ये था कि कौन सी फिल्म और क्या कॉन्सेप्ट होगा वो मेरे को लॉक करना था, तो मैं अभी थोड़े टाइम के लिए बाहर गया था, अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था, जैसे ही वापस आया मैंने सुनाया सलमान को, उनको बहुत अच्छी लगी, हमने बोला फिर ये नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू। अच्छा, फुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ कि जज कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये फोर्थ टाइम आई थिंक मैं जज कर रहा हूँ, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू सी ऑल दीज यंग गर्ल्स, एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स बहुत कुछ बदल गया है। द गर्ल्स आर फार मोर कॉन्फिडेंट एंड देयर आंसर्स हैव चेंज्ड, एंड आई थिंक देयर आर लॉट मोर ऑनेस्ट, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। टुडेज यंगस्टर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर ऑनेस्ट, द गर्ल्स आर आउट देयर, सो वी सेलिब्रेट वुमेन, वी सेलिब्रेट वुमेन पावर, एम्पावरमेंट, beauty pageant, and all the girls that are here tonight who are going to go on and doing some wonderful things hopefully in their life. Nahin, past 4 years se nahin, this is just the fourth time. Huh? Well, I think that today's youngsters and today's girls are far more confident, and with every year I see them getting better, more confident, more clear, more focused on what all they want to do, and I think ek ye bahut main enjoy kar raha hu ki aajkal ki jo younger generation hai, aajkal ke aap sab hain, are very straightforward. Aaj koi kisi baat ko aise nahi manega ki humne kaha hai and they'll do it, they want to know the reason. So I think today's girls are very clear on what they want to do, why are they here at the beauty pageant, what does it have for them, and from here where are they going to go, and that is for me the fun part. Well, I think हमेशा एक ही विनर होता है या थ्री विनर्स, बट आई थिंक जस्ट द फैक्ट ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ दिस होल पैजेंट विच इज़ वेरी क्रेडिबल, आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर ईयर्स, आई मीन दिस इज़ द सेम पैजेंट विच गेव अस ऐश्वर्या राय बच्चन एंड लारा दत्ता, सुष्मिता सेन एंड सो मेनी ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वंडरफुल एक्ट्रेसेस एंड आइकॉनिक वुमेन, एंड आई थिंक एक इंटरेक्शन, द डिसिप्लिन, lots of experts come and speak to them, the level of confidence, the level of interacting with your colleagues and with the girls of your age itself is an experience and I think an award. I think as a judge tonight for me, what I would look into it is the confidence of the girl, how she carries herself, how she speaks, and how truthful she is. बहुत एक्साइटेड हूँ यार, अभी 4 साल से मैं मिस इंडिया नहीं देखा हूँ, कुछ भी नहीं देखा हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैडम आई है तो एंजॉय इतना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत एंजॉय करूँगा और एक बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं यही देना चाहूँगा कि दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस, दे शुड डू देयर बेस्ट एंड ज़रूर कुछ ना कुछ होगा. जी मैं जज कर रहा हूँ और मेरे पता नहीं मैं क्या करूँगा क्योंकि सो मेनी ब्यूटीज एट वन टाइम एंड आई हैव नॉट सीन ऑल ऑफ देम. तो शायद मैं 15 out of 10 भी दे सकता हूँ. जी मेरे ऊपर बायोपिक बन रही है राजू हिरानी साहब और हम मिल के बनाएंगे पिक्चर और मेरी कंपनी उनकी कंपनी और अभी मैंने स्क्रिप्ट सुनी नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट बनी होगी. और जो कि हम ऐसा हमेशा देखते हैं कि सलमान खान जो है आपके लाइफ के बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो क्या उनका कैमियो हमें देखने को मिलेगा इस फिल्म में? यार ये मुझे पता नहीं, ये राजू हिरानी साहब को पता है क्योंकि स्क्रिप्ट अभी तक मैंने सुनी नहीं और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि सलमान रहे एक कैमियो के हिसाब से. पहले जी मुझे लगता है सिद्धार्थ आनंद की पिक्चर होगी और विनोद चोपड़ा साहब की होगी, वो दो पिक्चरें हैं. और मुन्ना भाई अभी तो बायोपिक बन रही है तो मुन्ना भाई बायोपिक के बाद ही बनेगी. Well, I'm really very excited. First of all, मैं सारी contestants, सारी girls को बस ये बोलना चाहूँगी, beauty contests और beauty pageants जो होते हैं, everyone knows is based on personality and physical attributes, your intelligence, your talent, और बिल्कुल भी irrespective of what the result is, just be sure, be very confident. And I would love to wish them all the very best for the pageant. I know it's a big day for all of them, but just be confident and have a big smile on your face. That's it. Well, my style statement today, I'm really styled by my stylist Akansha Kapoor. So my style statement is pretty simple. It's just like a princess look. That's it. See what Ram Lakhan, I would not like to comment right now. I think this is not a perfect platform to talk about it. Yeah. As a friend, I just want to wish Varun all the very best for his performance. That's it. Yeah. Thank you. Aap itne sharma kyun rahe hain? No, as a friend, I just want to wish him all the best. That's it. It's like life has come a full circle. Femina Miss India ka khitab jeeti thi main 18 saal ki umar mein. Meri zindagi mein itna bada badlav aaya tha aur usi khitab ke jeetne ke baad mere life mein itne sare khoobsurat changes aaye, badlav aaye, bahut kuch seekhne ko aur karne ko mila. Aur aaj ki shaam जो मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा है मेरे लिए एक फुल सर्कल की तरह है. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द वंडरफुल चॉइसेस आई मैनेज टू मेक एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल. मेरी मॉम हमेशा कहती थी बचपन से, जब भी कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता या प्रेज करता था मेरे लुक्स को लेकर, वो हमेशा कहती थी कि ब्यूटी इज़ व्हाट ब्यूटी डज़. अगर आपके ख्याल आपकी सोच में खूबसूरती हो तो आपकी इंसानियत में खूबसूरती होगी. एंड आई रियली होप दैट ऑल द कंटेस्टेंट्स, विनर्स ही नहीं, सारी जो लड़कियां आज यहां पर हैं वो इस बात को जाने समझे और जो उनकी खूबसूरती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें. सॉरी, आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है लड़कियों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देता है टू मेक अ डिफरेंस.
एंड आई थिंक मैं अगर जज होती तो मैं हमेशा यही ढूंढती कि इंसान में कितना कंपैशन है, कितनी एम्पथी है और किस तरह से वो सोचती हैं। मुझे पूछा गया था इफ़ आई वॉज द पुलिसमैन इन द गार्डन ऑफ ईडन हु वुड आई पनिश एडम ईव और द सर्पेंट और मैंने कहा था कि नाइदर ऑफ नन ऑफ देम बिकॉज इफ दे हैड इन्ट सिंड द अर्थ वुड नॉट हैव बीन क्रिएटेड वी वुडंट नो लाइफ द वे वी डू आई थिंक फॉर मी इट्स अ मोमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया इट्स अ मोमेंट दैट ब्रिंग्स बैक सम वंडरफुल मेमोरीज लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ये सोच रही थी कि मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है आज वो बहुत बहुत गर्वशाली हुए थे जब मैंने ये खिताब जीता था और वो खुद चाहते थे कि मैं पार्टिसिपेट करूँ माई मदर वॉज़ वेरी हेजिटेंट अबाउट सेंडिंग मी वो चाहती थी कि मैं लॉ स्कूल चली जाऊँ शी थॉट इट वुड कम इन द वे ऑफ माई स्टडीज बट माई फादर इनकरेज मी एंड ही वॉज वेरी प्राउड एंड आई एम मिसिंग हिम टूडे बिकॉज आई नो दैट इफ ही वॉज हियर ही वुड हैव बीन इवन मोर प्राउड ऑफ दिस फेलिसिटेशन दैट आई एम बीइंग गिवन टुनाइट हर लड़की मिस इंडिया होती है हर लड़की में वो सारे गुण होते हैं लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है उन गुणों को रिकग्नाइज करता है और उन लड़कियों को एम्पावर करता है टू फर्दर देयर ड्रीम्स टू फर्दर देयर एस्पिरेशंस और जैसे कि हर करियर चॉइस में या हर इंसान के लाइफ में उनकी जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं वो फिर जाके रिफ्लेक्ट होती हैं किस तरीके मुझे हर किस्म की अच्छी लगती है एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग आई डोंट थिंक ये जो लड़कियाँ यहाँ पे मॉडल्स है दे कुड बी द नेक्स्ट मिस इंडिया वन ऑफ देम तो बहुत प्रेस्टीजियस है पीपल लाइक ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन दिया मिर्जा दे बीन मिस इंडियाज तो एक तरीके से वो लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो बहुत ही सम्मान की बात है एंड इट्स डिफिकल्ट जो कर रहे हैं लोग बहुत डिफिकल्ट होता है वो मस्ती ऑलरेडी शुरू हो गई थी हम लोग मैं करण अर्जुन से मिला था करण जौहर और अर्जुन को साथ में अभी वो लोग एक ड्यूओ है साथ में ही रहते हैं हमेशा तो करण अर्जुन के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की अभी स्टेज पे भी करेंगे थोड़ा बहुत इट्स गोना बी फन परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि आई थिंक अवार्ड्स में होता है कि आप लोग इंटरेक्शन आते हो प्रेस वेस करते हो फिर जो परफॉर्मेंस है वो याद करना मैं अभी भूल गया हूँ अभी मैं जाके रिहर्स करूँगा इसके बाद पीछे हाँ सब पे कोई एक नहीं थी सब थे मुझे सब पसंद है यार इतने सुंदर लगते हैं लोग बहुत अच्छे हाँ दैट्स बकवास अच्छा मुझे किस भी किया थैंक यू कहना चाहूँगा पर मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग भी चीयर करोगे आप भी करोगे मेरे लिए चीयर तो मेरे कैमरा में आप भी किस दे दो भाई डेफिनेटली जब रिलीज होगी वक्त मिलेगा तो डेफिनेटली जाऊंगा डेफिनेटली आई ट्राई एंड गो फॉर इट इफ आई एम फ्री बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जंगल बुक भी रिलीज हो रही है आई वांट टू सी इट्स रिलीज्ड एक्चुअली आई वांट टू वॉच दैट फिल्म एज़ वेल जैसे आपने बोला ये खबर बकवास है बट उर्वशी ने कुछ नहीं बोला डिनाई नहीं ठीक है आपको गुड लक विश किया तो मैं तो डिनाई कर सकता हूं ना दिशुम रिलीजिंग जुलाई 29th बहुत काम कर रहे हैं हम लोग एंड वक्त है रिलीज के लिए बट ट्रेलर शुड बी आउट सून थोड़ा टाइम है ट्रेलर के लिए बट वी आर वर्किंग एट इट हाँ नहीं मैं आपको लेके आया हूँ आज नहीं सर नो नो आई एम वो दैट्स अ फिल्म दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट और उस पर बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस बहुत है ऑडियंस की उसको लेके और मेरे हिसाब से उसकी एक ऑलरेडी एक लेगेसी बन चुकी है एंड मैं एक नया एडिशन हूँ इस फिल्म में सो आई एम गोना वर्क हार्ड फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी